तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि जैसे कि आपको पुराने सेकंड हैंड लैपटॉप की बैटरी आप परचेस करते हो मार्केट, और इसको कहाँ पे मिलेगा और आपको इसको परचेस कैसे क्या करना है, और इसमें से देखते हैं कि किसमें बैटरी इसमें चालू निकलती है बट कितनी ख़राब निकलती है। तो उसको निकालने के लिए मेरे को एक कटर, थर्मल कटर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ये रहा। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी से इसको तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने इसको पहले से इसको अनबॉक्सिंग कर लिया, तो मैं आज ही लेके आया था इसको। मैंने नहीं, जिस दुकान से लेकर आया था मैंने उसी दुकान पर इसको अनबॉक्सिंग कर लिया था, जो कि कुछ इस प्रकार जमी हुई थी, लेकिन ये सीरीज में कन्वर्ट थी, तो मैंने इसको एक 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 करके इसमें से निकाल दिया है। और इसके साथ में इसको निकालने में बहुत ज़्यादा समय है, जो कि इसकी सहायता से आपको इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपको इसको रख देना है इस मटेरियल को साइड में, जो कि आपको एक चार्जर मॉड्यूल भी निकलेगा इसके ऊपर ही रहता है, जो कि अपना कुछ काम का यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसको रख देता हूँ साइड में। और इसको रखने के बाद इसमें जो कि बैटरी, जो कि अभी तक मैंने फ़िलहाल में इसको चेक नहीं, इसको चेक करने के बहुत से ट्रिक है, जो कि आपको इसको पलट कर भी चेक कर लेना है। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो इसको चेक करने के लिए लाइट के इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप इसको भी ले सकते हो जैसे कि आप चेक करना चाहते हो। तो इसको मैं इसको चेक कर लेता हूँ जल्दी से, सभी को एक साथ तो नहीं करूँगा लेकिन नंबर टू नंबर। तो गाइस आप देख सकते हो कि बिल्कुल एकदम ओके है ये वाली बैटरी भी। इसको मैं रखता हूँ साइड में, सभी को इसको जल्दी जल्दी से इसमें चेक कर लेता हूँ। तो गाइस बैटरी ये वाली ख़राब है, और बाकी इसमें से तीन बैटरी मेरे को इसमें 40 चालू निकली है, जो कि मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमेशा बैटरी में देख सकते हो कि लैपटॉप बैटरी में एक बैटरी तो ख़राब निकलती है, तभी जाके लैपटॉप बैटरी ख़राब होती है, वरना बैटरी नहीं ख़राब होती। तो इसको मैंने परचेस किया था 100-150 रुपये में लिया था, लेकिन आपको हर मार्केट में अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो इसको आपको मैं बता दूँ आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको नहीं लैपटॉप मैकेनिक शॉप पर मिलेगा, जो कि लैपटॉप वगैरह रेफर वगैरह करते हैं, वहाँ पे इसको आपको आराम से इसको परचेस कर सकते हो। सब तो जो कि अपने प्रैक्टिकल वगैरह प्रोजेक्ट में वगैरह में इस बैटरी का यूज़ करते हो, जो कि अच्छी बैकअप देती है ये और अदर बैटरी से, इससे अच्छा बैकअप इस बैटरी का रहता है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो ठीक है गाइस, ओके।